हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। कुछ टाइम पहले हम किसी एक इंसान के बारे में बात किया करते थे कि यार, इंसान ये काफ़ी सारे डिसीजन ले तो लेता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं। ये इंसान आपको पता कौन है? बात करते हैं डंकी और सलार की। आई थिंक ये भी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है रिलीज़ की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो चुकी है। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं कि किसकी कौन सी रिलीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, डंकी जो है 21 को रिलीज होगी और इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडिया के अंदर भी रात के शोज जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना कि शायद 21 को पूरा पूरा ही खुल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर भी, बट मुझे नहीं लगता। सिर्फ इवनिंग या नाइट शो ही खोलेंगे ताकि ऑडियंसेस जाए और एक रिएक्शन दे, और फिर 22nd से ये पिकअप हो। और सलार जो है वो रात के 12 बजे ही, मतलब जैसे ही तारीख चेंज होगी 21 से 22 तारीख को, और फटाफट से वो अपनी सारी की सारी जितनी भी उसको स्क्रीन्स मिलेंगे वो खोल देगा। तो ये इनका अभी तक स्ट्रैटेजी था, बट काफ़ी सारी रेवेन्यूज दोनों ही स्टार्स की आती हैं फॉरेन कंट्री से भी। तो क्योंकि सलार का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा, उसमें स्टोरी से ज़्यादा जो होता ना, जैसे स्टार को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी बातें होंगी उसके अंदर। VFX काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सब के लिए उन्होंने US में चूज़ किया था कि हम IMAX पे रिलीज़ करेंगे इसको। तो IMAX पे काफ़ी सारे उन्होंने शोज़ ले लिए, डंकी को ज़रूरत नहीं है उसको उस तरीके से करने के लिए, तो उन्होंने नॉर्मल शोज लिए जैसे 2D वर्जन वाले। तब हुआ ही कुछ यूँ है कि एक्वामैन, जो कि फॉरेन कंट्री की मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है, उन्होंने बोला कि जी हम 20 तारीख को आ रहे थे, अब हम 22 तारीख को आएंगे। तो 2 दिन डिले कर रहे हैं ताकि हमें क्रिसमस का फ़ायदा हो पाए। तो इससे फ़ायदा नुकसान क्या हो रहा है दोनों मूवी, इंडियन मूवीज़ को, कि जो स्क्रीन्स मिलने थे सलार को वो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जो कि एक्वामैन को मिल जाएंगे। क्योंकि एक्वामैन को पहला चांस तो मिलेगा, चाहे वो DC की मूवी है और DC अभी पूरा रीबूट हो रहा है, लेकिन पहला चांस तो उसी को मिलेगा क्योंकि वहाँ की वो मूवी है। तो सलार को किसी हद तक जो है कुछ ना कुछ डेंट मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, बट डोमेस्टिक मार्केट में सिचुएशन अभी भी सेम ही है। उसी तरीके से ही जो वॉर है वो इंटेंसिफाइड है, आपस में कोई भी बात नहीं कर रहा है। बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद डेट जैसे ही क्लियर और आसपास आती चली जाएगी, इसमें से एक मूवी जो है वो थोड़ी सी प्रीपोन हो जाएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली वो सलार होगी, जो एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले ही रिलीज हो जाएगी डंकी से, ताकि वो अपना एक हफ्ते का रन पूरा कर ले और उसके बाद फिर लोग डंकी को भी इंजॉय कर पाए, ऐसा अभी खबर चल रही है। तो अगर ये प्रीपोन हो जाती है तो मेरी समझ के हिसाब से अच्छी बात है, एक हफ्ते का रन भी ले लो, और उसके बाद फिर अगर जो मेरिट पे आगे निकल जाएगा, फिर डंकी जो है अपने टाइम पे जैसे आना था उसको 21 को इंटरनेशनल में और 22 को डोमेस्टिकली वो आ जाएगी। आपको क्या मानना है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि अगर एक हफ्ता पहले भी आ जाते तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उससे पहले कोई मूवी ऐसी कोई खास रिलीज भी नहीं हो रही जो सलार के साथ क्लैश हो जाएगी तो उसको कोई नुकसान हो जाएगा? कॉमेंट करके जरूर बताना।